ट्रैगोपैन की फीडिंग हैबिट्स हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे, उसकी IUCN स्टेटस, कंजर्वेशन के जो सेटअप्स हैं या जो इसकी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान जबकि इसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग दीज फीचर्स. सो द पर्टिकुलर फीडिंग हैबिट ऑफ दिस बर्ड इज दैट दिस इज नॉट अ ट्रू इंसेक्टिवोरस, दिस इज नॉट अ ट्रू हर्बीवोरस. ये कहीं इंसेक्ट्स भी ले लेते हैं, कहीं पर इन्होंने जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं उनको भी ले लेना है. उन पार्ट्स में सीड्स आ सकते हैं, उन पार्ट्स में रूट्स आ सकते हैं, समटाइम लीव्स आ जाते हैं, कुछ छोटी बेरीज आ जाती हैं. सो दे आर एक्चुअली ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड. सिर्फ डेफिनेटली वो जो मीट है उसकी तरफ नहीं जा रहे, बाकी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो वैरायटी ऑफ फूड को हासिल करने की. सो दे ऑल्सो इंक्लूड रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, बेरीज, ग्रब्स एंड इंसेक्ट्स. Trigopans are shy and wary birds, quick to hide amongst the dense vegetation they inhabit if disturbed. आम birds की तरह ये उतने ज़्यादा prominent नहीं हैं. Definitely अव्वल तो almost सारे birds ही shy होते हैं. इन birds का भी यही feature है कि अगर इनको हल्का सा disturb किया जाए या कोई इनकी habitat के अंदर कोई intruder आ गया है या even अगर human activity माइल्ड सी, इवन कैप्टिव में भी देखा गया है कि अगर परफॉर्म हो रही हो तो ये बर्ड्स अपने आप को हाइड कर लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं और किसी डेंस वेजिटेशन में चले जाएंगे ताकि इनको ढूंढा ना जा सके. अगर इन बर्ड्स का वेट कंपैरेटिवली ज़्यादा, दे आर मैसी, ये मैसिव हैं, सो इसीलिए जो इनकी हलचल है या जो इनकी मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा नोट हो जाती है. बट अगर हम इनकी एक पर्टिकुलर फीचर की बात करें, अगर इनकी हैबिट की बात करें, तो दे आर द शाई बर्ड्स. With reference to the distribution, natively they are definitely present in Pakistan. और पाकिस्तान में भी अगर हम ख़ास जगहों की बात करें तो ये जो ठंडे इलाके हैं ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. लाइक कश्मीर वैली में भी इनकी एग्जिस्टेंस है. अगर हम इनको कश्मीर के अलावा किसी और इलाकों के, लाइक ये झेलम के इलाकों में भी पाए जाते हैं. ये जो जहाँ पर भी रिवर साथ साथ गुजर रहा है लाइक झेलम और जो उसके साथ की जितना भी अलाइड एरिया है वहाँ पे जो रिवर है ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है. सो मतलब हमें ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इन जो मेजर एरियाज़ हैं या जो मेजर प्रोविंसेस हैं ये वहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस बहुत कॉमन है. पाकिस्तान के अलावा जिन कंट्रीज़ में ये पाए जा रहे हैं उनमें इंडिया डेफिनेटली है और पाकिस्तान तो है ही, जिसकी हमने अभी बात की कि पाकिस्तान में जिन पर्टिकुलर एरियाज़ में उनमें ये वेरियस तरह के जो झेलम है या जो झेलम के सराउंडिंग्स के जो इलाके हैं वहाँ पे पाए जाते हैं. इनको वेरियस नेशनल पार्क्स में भी रख के इनको ब्रीड करवाने की कोशिश की गई ताकि इनका नंबर डेफिनेटली इम्प्रूव हो, क्योंकि बर्ड ब्यूटीफुल है और उसको हंट किया जा रहा है उसकी वेरियस एक्टिविटीज़ की वजह से. सो इसीलिए इसका नंबर भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है. सो इसीलिए कई ऐसी एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं या जिसको कंजर्व करने की अटेम्प्ट्स कर रही हैं. IUCN स्टेटस के हवाले से जिस तरह अभी हमने बात की दैट द बर्ड इज़ इन थ्रेट, उसको जो थ्रेट्स हैं वो जनरली डेफिनेटली एक पाउचिंग का थ्रेट है, उसके मीट के लिए इसको समटाइम कैप्चर किया जाता है, क्योंकि बर्ड खूबसूरत है, डेकोरेटिव पर्पजेज के लिए इसको कैप्चर किया जाता है. सो इसीलिए इसको वल्नरेबल स्टेटस में रखा गया है. That the animal needs a conservation or protection, जो various agencies इसको provide करती हैं. National parks में रखा जाता है, वहाँ पर इसको captive breeding provide की जा रही है, controlled environment दी जा रही है ताकि इस animal को grow करवाया जा सके और इसका number को improve किया जा सके. पाकिस्तान में जिस तरह भी हमने बात की कि this is present between the झेलम and कन्हार river of the हज़ारा district, while मछियारा नेशनल पार्क में जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पाए है वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन दी जा रही है ताकि इसका नंबर इम्प्रूव हो. सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सर्टन वैलीज ऑफ चोलिस्तान, जो इस एनिमल को, पर्टिकुलरली इस बर्ड को जो थ्रेट है वो हंटिंग और ट्रैपिंग है, इसके मीट के लिए और इसके डेकोरेटिव प्लमेज के लिए. कई जगहों पर ये भी देखा गया है कि जब ये जो इसके पर होते हैं या जो इसका फेदर्स हैं या जो प्लमेज है ये शेड होती है एट वेरियस टाइम पीरियड्स, मतलब आम बर्ड्स में भी ये शेड होती है. लाइक पीकॉक में
एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद ये जो प्लमेज है ये शेड होती है, कई जो कीपर्स हैं वो इनके फेदर्स को रख लेते हैं जस्ट बिकॉज टू गेट मनी, वहाँ से वो उसको सेल करते हैं। सो इस हवाले से भी इस एनिमल को कैप्चर किया जाता है कि इसकी प्लमेज को इससे इसको उतार कर इसको सेल किया जाए। सो डेफिनेटली वो फिर जब एनिमल के पार्ट्स की ट्रेडिंग इन्वॉल्व हो जाएगी तो एनिमल को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आएंगे। सो इस हवाले से जो साइटीज डेफिनेटली जो एक कन्वेंशन है एनिमल के ट्रेड को और एनिमल के पार्ट्स की ट्रेड को जो रोकती है या जो उस पर चेक एंड बैलेंस करती है, उन्होंने इसको अपेंडिक्स वन में रखा हुआ है ताकि इसको एक प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन प्रोवाइड की जा सके। सो अनलेस और अनटिल इस एनिमल को एक प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, ये एनिमल डेफिनेटली यानी जो बर्ड है ये एक बहुत खूबसूरत बर्ड है और पाकिस्तान में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर इसको प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन नहीं दी जाएगी तो हम इस बर्ड को खो देंगे और जो एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है या जो एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड स्पीशीज़ है डैट वुड बी नो मोर विद अस।